बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह नारा तो आपको याद ही होगा। जैसलमेर की बेटी और उदयपुर की डिप्टी एसपी चेतना भाटी ने सालों पहले यह नारा दिया और केंद्र सरकार ने बेटियों के भविष्य के लिए इस नारे को सरकारी स्वीकृति देते हुए कई योजनाएं भी प्रारंभ कर दी। लेकिन इन योजनाओं की आड़ में ठगी का खुलासा दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर जिले में देखने को मिला, जब शातिर ठग ने स्पेशल पुलिस का जवान बनकर पहले तो लोगों का विश्वास जीता और फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकारी योजनाओं का लोक लुभावन ऑफर देकर पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। अचानक एक दिन यह ठग गायब हो गया और इसके जाल में फंसे लोग खुद को ठगा सा महसूस करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और ठगी का शिकार हुए लोगों में से एक ने इस ठग को प्रताप नगर क्षेत्र में देख लिया और दूसरे पीड़ितों को भी बुला लिया और ठग को प्रताप नगर चौराहे पर पकड़कर धुनाई करते हुए सुखेर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां इस ठग ने पुलिस कांस्टेबल को भी गुमराह करना शुरू कर दिया और बोल दिया कि गुजरात स्पेशल पुलिस से बात कर लो। इस पर पुलिस को सारा माजरा समझ में आ गया और ठग को इसके साथी के साथ सुखेर थाने ले आई। इस मामले में ठगे गए पीड़ितों का कहना है कि इस युवक ने अपने आप को सुखेर थाने का स्पेशल पुलिस टीम का जवान बताया था, साथ ही पत्नी को प्रताप नगर थाने की एक अधिकारी, और इसी वजह से सभी ने इस पर विश्वास कर लिया और योजना में पैसे लगा दिए। पीड़ितों ने बताया कि ठग आए दिन उनकी होटल पर खाना खाने आता है और खाना पैक करा कर ले जाता था। इस दौरान उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जुड़ने की बात कही और डॉक्यूमेंट्स भी दिए। सभी ने धीरे धीरे रुपए भी ट्रांसफर किए। फिलहाल सुखेर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ठग और उसके साथी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। मेरे 15 महीने से एक कस्टमर आ रहा था, कमलेश नाम का, कमलेश आगे सुतार, ठीक है। वो एक महीने से मेरे से परिचय बढ़ाया और फिर 27 तारीख को उसने मेरे को सुबह फ़ोन किया, बोले कि मैं ये बेटी बचाओ बेटी योजना के अंतर्गत एक स्कीम आई हुई है, तो आपको लेना क्या इसमें। तो मैं उससे मिला तो उसने बोला बेटी बचाओ बेटी नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री की योजना आई है, तो उसमें आपको 2750 की दो किस्त जमा करानी है। तो मैंने उसको 2950 दे दी है और 3 लाख का बीमा है। ये क्या क्या उसने फरार हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज मेरे को वो सुबह प्रताप नगर मिल गया, तो मैं पकड़ के लाया और थाने में पेश किया। और भी किसी साथ घटना हुई है? इसके 8-10 जनों के साथ की हुई है और ये मनोहर सिंह जी करके बाईपास होटल है अपनी मेवाड़ी रानी, उनके साथ भी 15,000 रुपये की छोटी है। और एक हमारे यहाँ रहते हैं जो लेडीज़ है, उनके साथ 70,000 रुपये ले लिया, ATM ले लिया और 70,000 रुपये ले लिया। पकड़ पे कैसे आया वो साहब? मैं सुबह घर से आ रहा था शॉप पे आने के लिए, तो वो मेरे को प्रताप नगर चौराहे पे दिख गया, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने फिर मेरे फ्रेंड सर्कल को फ़ोन किया, वो सब आके हम उठा के लेके आए और थाने में लेके आए। फिर इसने मेरे को बोला मैं सुखेर थाने में CBI से हूँ और ये योजना हम CBI वालों के पास ही आती है, जो उसमें आपको कोई टेंशन घबराने की बात नहीं है और आप आराम से इसका कर सकते हो। और मेन मैसेज प्रधान नगर थाने में ऐसा अधिकारी है ऐसा बोला। ये वहाँ पे खाना खाने आते थे तो फिर 2-3 दिन बाद अच्छा व्यवहार जम गया, तो उसके बाद में ये आए थे हमारे यहाँ पे, हमारी एक स्कीम खुली है नई वाली, तो आप टेंशन मत लो, मैं सुखेर थाने में ही हूँ, स्पेशल में हूँ, और मेरी वाइफ है जो प्रताप नगर थाने में। उसके बाद इन्होंने बताया 2950 की किस्त डालो, आप तो 2 फार्म जमा करो, आधार कार्ड लिए मम्मी का और सिस्टर का। उन्होंने बोला इनके कभी भी कुछ वारदात भी हो जाएगी तो इनके बड़ी से बड़ी होटल में मतलब हॉस्पिटल में इनका इलाज फ्री हो जाएगा, और आपके गुरुवार के दिन हर 4th दिन के अंदर आपके खाते में 3-3 लाख का 2 चेक आएगा। उसके बाद गुरुवार भी निकल गया, सब निकल गया, उसके बाद में ये कभी फ़ोन उठाते नहीं है कुछ नहीं, और आज ये भैया के साथ आज वहाँ पे मिल गए थे, उनको सुखेर थाना में लाके इनको पेश किया हमने। रसीद वगैरह नहीं, रसीद में बोला 10 मिनट में लेके आ रहा हूँ, और वापस किधर फरार हुए पता भी नहीं चला उनका अभी तक। डॉक्यूमेंट वगैरह लिए क्या? डॉक्यूमेंट लिया था, आधार कार्ड लिया सिस्टर का और मम्मी का सिस्टर, वो आधार कार्ड लिया दोनों का। आज दिनांक 16/1/2021 को थाने पर सूचना जरिए टेलीफोन मिली कि कोई एक व्यक्ति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस आधार पे आशापुरा होटल चित्रकूट नगर और एक शेर सिंह व्यक्ति से 2950 रुपये पैसे लेता गूगल पे किया हुआ है उसका,
तो इस पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए कि पहले हमारे से पैसे ले गया और उसका अभी तक हमें कोई रसीद वगैरह नहीं दी है। तो इस प्रकार इसका द्वारा जो कार्य किया जा रहा था इससे काफ़ी लोगों से इसने पैसे लिए हुए थे। जब ये लोगों ने इकट्ठे होकर इसको पूछा तो अचानक ये लोग कई दिनों से तो उधर जाता नहीं, फिर अचानक वहाँ गया तो लोगों ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में सूचना थाने पे गई, जिस पर रोहित कुमार कांस्टेबल मौके पर सिग्मा 18 जिसकी ड्यूटी थी जिसको मौके पे भेजा गया, तो काफ़ी लोगों में आक्रोश था और उसको पकड़े हुए व्यक्ति को लेके थाने पे आए, जिस पर काफ़ी लोग थाने पर भी उपस्थित आए, जिन्होंने सभी ने बताया कि साहब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस आदमी का हमारे से कई जनों से रोकड़ पैसे और कई जनों से गूगल पे किया हुआ, कई जनों से एटीएम से विड्रॉल किया हुआ पैसा ले जाता है और जो हमें ना तो रसीद देता है ना हमें इसमें कोई ये बताता है, ये पैसा लेने के बाद में उस उधर आता ही नहीं है। तो फिर जब हम उसका फ़ोन वगैरह करते हैं तो वो कह रहे कि आपके अकाउंट में जमा होते ही आपको रसीद मिल जाएगी, लेकिन इसने अभी तक हमें कोई रसीद नहीं दी, ऐसा लोगों का कहना था। जिस पर थाने पर लाने पर इससे पूछताछ की जा रही है। शेर सिंह नामक व्यक्ति शेर सिंह पिता मनोहर सिंह जी सिसोदिया उम्र 24 वर्ष निवासी बुआना बाईपास, इसके गूगल पे से 2,500 रुपये कमलेश सुथार के नाम अकाउंट में जाना बताया है और ये 9,000 रुपये रोकड़ देना बताया, जिसकी रिपोर्ट ली गई है थाने पर और उस रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया 420 का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। लेकिन इस मुस्तबा जो कमलेश सुतार पिता कालूजी सुतार निवासी सराड़ा उम्र 24 वर्ष हैं, जिसकी प्रथम दृष्टया प्रिवेंटिव एक्शन में इसको गिरफ्तार किया गया है ताकि ऐसा अपराध करने की रोकथाम के लिए प्रथम दृष्टया प्रिवेंटिव एक्शन में गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण दर्ज कर इसमें अनुसंधान जारी है, जैसी सूरत होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी स्पेशल पुलिस बनकर और अपनी पत्नी को प्रतापनगर थाने में भी अधिकारी बताकर लोगों को ठगता था, ऐसा प्रार्थी ने कहा है। ऐसा प्रार्थी ने जो रिपोर्ट में दी है, लेकिन इसमें प्रकरण दर्ज किया जा चुका है, उस संबंध में जांच और वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने पर ही मालूमात होगी, अनुसंधान जारी है इस संबंध में।